हल्दी के बाद हमारी दुल्हन तैयार हो गई है और पापा आ गए थे हमें लेने के लिए। को मिल गई है उसकी छोटी मौसी। गुड मॉर्निंग सभी दगड़ों ते, प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी से, और वो भी तैयार होके, और एक झबरू पीछे से आ रहा है जो तैयार भी नहीं हो रखा है। हम लोग जा रहे हैं हल्दी हाट में, कल सब लोग गए थे शादी में, तो आज हम लोग जा रहे हैं हल्दी हाट में। मामी की लड़की की शादी है तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। ये वेला मुच्छू कोट पहन के तैयार हो गया है, इसको पहननी थी फ्रॉक पर मौसम ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, इसलिए फ्रॉक की जगह कोट पहन लिया है। और बिन्नो यहाँ से चला गया है दुकान, वो नहीं आ रहा हमारे साथ, वो दुकान तक आया था। बाकी अभी हम जा रहे हैं हम तीनों ही। हेलो, अभी हम तीनों जा रहे हैं और मम्मी पिंछू पापा सब कल रात को चले गए थे। कल रात को आरुई लोग मिस्टर जी सब जा रखे थे, मायू की दादी भी, और अभी हमारी बारी है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं हल्दी में, और हम लोगों को लेट भी हो गई है क्योंकि सुबह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। अभी थोड़ा सा ठीक हो गया तो कहीं हमारे जाने तक वहाँ हल्दी ना हो गई हो। चलो चलते हैं जल्दी जल्दी से। हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं, और मायू भी चली गई है, पापा आ गए थे हमें लेने के लिए। तो अभी घर है आगे पे, और मैं भी हो गई हूँ अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन के तैयार। तब चलते हैं घर पे। तो हम लोग आ गए हैं घर पे, और यहाँ पे पिंछू भी मिल गई है, बाकी हमने टीका भी लगा लिया है, और बाहर पे चल रही है हल्दी। तो चलते हैं हल्दी में, और मायू और मायू के पापा रहेंगे अंदर पे। ये है हमारी दुल्हन, और यहाँ पे है मामी जी दुल्हन की बेटी। को मिल गई है उसकी छोटी मौसी। हेलो मौसी। हाय गाइस। हेलो मौसी, का है मौसी? दुल्हन को हल्दी पहना रही है पिंछू। ये दुल्हन के बगल पे है मेरी मम्मी, जो कि पिछोड़ा नद सब कुछ पहन के तैयार हो रही है, और यहाँ पर हैं दादाजी यानी कि पंडित जी, हमारे गांव से आए हुए हैं। दुल्हन को हल्दी पहना रही है मेरी नानी यानी कि दुल्हन की दादी। अब दुल्हन को हल्दी पहना रही है मेरी मामी।
यहाँ पे हो रही है अभी बन रही है यहाँ पे मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे ए तेर कोई मुखड़ी ए तेर प्यारी मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे आँख में काजल नख न धुली भली लगी रे आँख में काजल नख न धुली भली लगी रे हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे ए तेर कोई मुखड़ी ए तेर प्यारी मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भले लगी रे ए तेर मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे ए तेर कोई मुखड़ी ए तेर प्यारी मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे आँख में काजल नख न धुली भली लगी रे आँख में काजल नख न धुली भली लगी रे हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे ए तेर कोई मुखड़ी ए तेर प्यारी मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे ए तेर कोई मुखड़ी ए तेर प्यारी मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे तेरे खुटू पे जबी कब पाई बिंदुली भली छाजी रे माठू माठू हिटना मुल मुल हसना कित कित बोलना भली लगी रे। अभी बाहर पे हल्दी भी चली रही है और मैं आ गई थी यहाँ पे इस बदमाश को देखने के लिए। बाकी मैंने भी हल्दी लगा ली है उसको और अभी भी हल्दी चली रही है। घर से हमें लग रहा था कि हमने लेट कर दी पर यहाँ पे आए तो हल्दी अभी स्टार्ट हो रही थी। तो अभी थोड़ी देर रुकते हैं फिर उसके बाद चलते हैं घर। तो यहाँ पे हल्दी के बाद हमारी दुल्हन तैयार हो गई है और ये है मेरी दूसरी वाली बहन ये है मेरी दूसरी वाली मामी की लड़की और ये है बड़ी वाली मामी की लड़की। ये है हमारी आज की दुल्हन। दुल्हन जी जरा हाय भी कर दो। अब यहाँ पे हमारी विदाई होने लगी है तो यहाँ पे नानी जी मामा सब आ गए हैं हमें भेजने के लिए। ये देखो मायो की बुढ़ी नानी मायो के नाना नानी सब आ गए हमें भेजने के लिए और जबरदस्ती मायो को पैसे दे रहे हैं और मायो की होगी है यहाँ पे मोटी कमाई ये। और यहाँ पे है वेडिंग पॉइंट जो मामी लोगों ने बुक कर रखा है तो यहाँ पे होगी आज रात को शादी। हम लोग भी आ गए हैं विदा होकर और अभी वहाँ पे हल्दी सेरेमनी चली रही है क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए हैं क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और यहाँ पे हमारे गुज्जू को ठंडा हो जाएगा इसलिए हम लोग आ गए हैं जल्दी से। अब चलते हैं घर की तरफ को।